आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की बात। अब 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में इस वक्त फेरबदल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही है, कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। बात की जाए राजस्थान के बारे में तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में घिरी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस गुजरात के विधानसभा चुनाव की तरफ भी बखूबी ध्यान दे रही है। जी हां, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं कांग्रेस से। जहां एक तरफ दावे किए गए कि वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, हार्दिक पटेल को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे, लेकिन इस नाराजगी के बीच हार्दिक पटेल ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। हार्दिक पटेल ने एक गुड न्यूज दे दी है। गुड न्यूज इस तरीके से दी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने एक इंटरव्यू के दौरान कि कैसे वह कांग्रेस के लिए यहां पर प्रचार करते हुए देखे गए हैं। जरा देखिए ये वीडियो, जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने अपनी बात रखी कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर। जब हार्दिक पटेल के पिता की पुण्यतिथि का आयोजन, अब रिपीट जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में हार्दिक पटेल के पिता की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े चेहरे नदारद रहे, लेकिन हार्दिक पटेल ने यहां पर उनके ना आने को लेकर भी अपनी बात रखी। साथ ही साथ कांग्रेस में जमे रहने को लेकर भी उन्होंने गुड न्यूज दे दी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं। चुनाव की शुरुआत से पहले कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। बीते कुछ समय से दावे किए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हाई कमान से नाराज चल रहे हैं कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल। हालांकि अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्होंने बातें कही, उनसे लगता है कि अब ये तनातनी कम हो गई है। हार्दिक पटेल ने पिता की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई बातें की हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस इंचार्ज रघु शर्मा ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है साल 2022 में राज्य सरकार बनाए और हार्दिक पटेल को इसमें अहम भूमिका निभानी है। हार्दिक पटेल ने भी तमाम बातें कही हैं, लेकिन रघु शर्मा ने गुड न्यूज दी है कि हार्दिक पटेल को अब कांग्रेस में अहम भूमिका निभानी है और उनके इस बात से जाहिर होता है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन हार्दिक पटेल क्या कहते हैं पार्टी को लेकर, जरा देखिए ये वीडियो। कहां लगा आपको? ना कोई मंच था, ना कोई मंच पे कोई नेता बैठा था, और राजकीय एजेंडा कहां आपको दिखा? यहां तो साधु महात्मा आए थे, और मैं जिस संस्कृति से आता हूँ वहाँ तो हम साधु महात्मा को माथे पे बिठा के निकलते हैं। हमने यहाँ किसी भी राजनेता को माथे पे नहीं बिठाया। हम तो साधु महात्मा और धर्म के आधार पर चलना चाहते हैं, और हम सब का, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, सब लोग धर्म के आधार पर ही तो आगे बढ़ रहे हैं। हार्दिक सीएम माने सीआर पार्टी नहीं आवे तो तुम्हारा शू? बीजेपी के कई नेताओं को इनवाइट भी किया है। देखिए बहुत सिंपल चीज़ होती है, आप जब कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो सब लोगों को इन्वाइट करना पड़ता है। हम पारिवारिक सामाजिक जीवन में हैं, हमने 7 साल के जीवन में कुछ पद नहीं प्यार पाया है, और वो प्यार किसी ने प्यार से भी दिया है और किसी ने नफरत से भी दिया है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोगों को इनवाइट करें, उनका आना न आना। देखिए दो चीज़ होती है, जो हमारे साथ बैठता है जब उसको हम इनवाइट करते हैं तो उसको 10 बार फ़ोन करते हैं कि तू आने वाला या नहीं आने वाला, लेकिन जब हमारे सामने वाला कोई व्यक्ति और जब उसको इनवाइट करते हैं तो उसको 10 बार नहीं पूछा जाता कि तुम आने वाले या नहीं आने वाले, उसको इनवाइट किया जाता है। उसका क्या भाव है उस पर सब व्यक्त रहता है। सीएम कांग्रेस के नेताओं की आज हाजिरी यहाँ पर रही, आपको लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा हार्दिक? मामला ही नहीं है मामला, देखिए दो चीजें, मामला बनाया जाता है और उसको सुलझाया जाता है। मैंने कोई मामला सुलझाया भी नहीं और बनाया भी नहीं, मैंने तो सही चीज कही। और परिवार में जब आपका बेटा या आपका बड़ा कोई गलती कर रहा है और अगर आप उसको मुंह पे नहीं बोलोगे तो बिगड़ जाएगा।
मान लीजिए कि मेरे परिवार में कोई नुकसान कर रहा है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा यार साथ मिलकर काम करो, पार्टी है मेरी, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे और वही काम हम करने वाले हैं। थोड़ी नाराजगी होती है, थोड़ी चर्चाएं होती है, उस चर्चाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा मुझे भरोसा है, क्योंकि ये गांधी की पार्टी सरदार की पार्टी है। आशा रखता हूँ जल्द से जल्द इसका निराकरण हो जाएगा और आने वाले दिनों में इस प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रदेश के हितों के लिए बड़े जोरों से लड़ेंगे, बड़े जोरों से आगे बढ़ेंगे और मुझे भरोसा है कि जितनी भी नाराजगी होती है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलत फहमियों के कारण होती है, उसको निकाल देंगे। नाराजगी कम हो रही है कैसा काम हो रही है नाराज भाई प्रसाद की, प्रसाद किशोर कांग्रेस साथे काम करो नहीं ना पड़ी से आप हमने सो कुछ प्रसाद किशोर कांग्रेस साथे काम करो जो है ना करो। देखिए प्रशांत किशोर की जो चर्चा है पिछले कई दिनों से चल रही है, प्रशांत किशोर इज नॉट पॉलिटिशियन, मैंने पहले भी कहा है ये बात, प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजी मेकर है जो चुनावों को बनाता है बिगाड़ता है, उसका काम प्रशांत किशोर का ये होता है। और मान लीजिए कि उसकी पार्टी में आने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो चर्चाएं चल रही थी उसमें क्या हुआ क्या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसमें मैं ज़्यादा समझना नहीं चाहता, लेकिन दोनों की तरफ से क्या हुआ होगा क्या जानना होगा वो रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट करके अपने आप खुद ईमानदारी से बता दिया। देखिए सीआर पाटिल और सीएम को भी आपने इनवाइट किया था, वो नहीं आए, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं आए तो मुझे क्या दुख लगेगा, समझिए दो चीजें, ये जितने भी विरम गांव जितने विरम गांव के लोग खड़े हैं यहाँ पर, दो राष्ट्रीय आयोग जो है ऐसे विभाग का उसने भी नोटिस गुजरात सरकार को भेजा, स्वाभाविक है कि इस पर कुछ सजेशन होंगे, कुछ समाधान होगा, तभी आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ जिग्नेश को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस से लेकर सब लोग उसकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी अब कांग्रेस से नाराजगी खत्म हो गई है? खत्म हो जाएगी ना, बैठ जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। आज मान लीजिए कि वो आए हैं, उन्होंने पहल की है, तो बिल्कुल हम बैठकर उस पर बातचीत करेंगे। और हम चाहते हैं कि देखिए 6 महीना बचा है, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, लोकतंत्र क्या कहता है कि सरकार जितनी पावरफुल उतना विपक्ष पावरफुल होना चाहिए, तो बस हम वही करते कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। चर्चा કરી દીધેલી છે, હવે આજનો ધાર્મિક કાર્યક્રમ છે, આટલું બધું કહી દીધું, આટલું બધું સારું કીધું, હવે એનો મતલબ એવો નથી કે છેલ્લે છેલ્લે આપણે કઈક નવી વાત ચર્ચા કરી દઈએ, મેં કહ્યું કે બેસીને પ્લાન કરીશું રાજ્યના હિત માટે, અને આજના ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં જે પણ લોકો આવ્યા છે એમનું સ્વાગત કરું છું। हार्दिक नरेश पटेल को लेकर क्या कहेंगे, नरेश पटेल को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीति को लेकर काफी सारी चर्चा। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अगर इस राज्य के हितों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, इस राज्य की उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो नरेश भाई को भी आना चाहिए। और नरेश भाई जैसे कई लोग है जो छोटे छोटे गाँव में काम करते हैं, जिलों में काम करते हैं, अपने समाज का काम करते हैं, सबको आना चाहिए और एक मंच पर आकर इस राज्य के हित के लिए एक नई पुकार के साथ, एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ? हिंदुवादी में या बिन हिंदुवादी? मैं तो अभी कांग्रेस में हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस में जुड़िए, क्योंकि अभी नौतम स्वामी आए थे, उन्होंने कहा था कि हार्दिक को हिंदुवादी पार्टी के साथ जाना। मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ ये साबित तो मैं नहीं कर सकता हनुमान जी की तरह छाती चीर के, लेकिन आज का पूरा कार्यक्रम आपने देख लिया, पूरा धार्मिक है, मैं सबसे ज्यादा हिंदू हूँ। नरेश भाई ने ये कहा है कि अगर चुनाव होगा या मैं चुनावी मैदान में आऊंगा, प्रशांत किशोर मेरे साथ होंगे, और ये अंत नहीं है, जो ये उनकी बातचीत बंद हो गई ये अंत नहीं है। देखिए मैं जब कोई पॉलिटिकली प्रक्रिया या चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ता हूँ तो मेरे साथ स्ट्रेटजी मेकर होते हैं, आज भी है, मेरे पास भी रहते हैं, तो उनके पास भी मैं ये मान सकता हूँ कि नरेश पटेल जी के पास प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजी मेकर के रूप में काम करने वाले हो, अच्छी बात है, इसमें क्या गलत बात है, कि पार्टी में रहकर नहीं लेकिन बाहर से वो नरेश भाई को मदद करना चाहते हैं, इज ग्रेट, थैंक यू। आप सभी ने देखा जाना कि हार्दिक पांडे बीजेपी में शामिल ना होकर बल्कि कांग्रेस में रहना पसंद करेंगे, भले ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा हो, लेकिन कांग्रेस के लिए वह प्रचार अभी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।